स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी को हंसते मुस्कुराते गुड इवनिंग। ठीक है, आज जो क्लास करने जा रहे हैं लाइव क्लास, हॉस्टल वार्डन, पुलिस भर्ती, परिचारक, ऑपरेटर, पीजी व्यापम, पीएससी ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम। तो आप सभी देख पा रहे होंगे रात 9 बजे लाइव क्लास, लगातार 10 दिनों का क्रैश कोर्स के साथ। यहाँ पर कमेंट ना करें, आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक, तो पूछा क्या है, रात 9 बजे 10 दिनों का क्रैश कोर्स के साथ 10 वीडियो। मैं डेली आपको 10 वीडियो देकर आऊंगा, चाहे लाइव क्लास हो चाहे रिकॉर्डेड क्लास हो, है ना। तो आज पूरा टेस्ट करेंगे, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन रिपीट रहेगा, है ना। तो जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आप देख पा रहे होंगे एंटीवायरस से क्वेश्चन करेंगे, प्रिंटर से क्वेश्चन करेंगे, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन करेंगे। आप लोग फटाफट सभी के सभी लाइव क्लास में आ जाइए, तब तक मैं वीडियो का लिंक ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखना। कम से कम कितने बार? 3 से 4 बार इस वीडियो को देखना, आहा से आपको एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तब तक मैं वीडियो का लिंक ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। और मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही कि नहीं, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही कि नहीं, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। तब तक मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। और मेरा चेहरा अगर आपसे क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, तो अपना वीडियो का जो क्वालिटी है आप अच्छे से उसको बढ़ा दीजिएगा। जैसे 1.44 होगा, उसको आप इतना कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो 1 1 1 ये ऐसा है, उसको 360 मेगापिक्सल कर लीजिएगा, 360 मेगापिक्सल कर लीजिएगा। या फिर अगर और अच्छे से क्लियर देखना चाहते हैं मेरे को, तो आप 480 का मेगापिक्सल कर लीजिएगा, है ना। अगर इससे और अच्छे क्लियर देखना चाहते हैं तो 720 में कर दीजिएगा। इससे ज्यादा करोगे तो आपका नेट तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं तब तक वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो फटाफट सभी आ जाइएगा, है ना। मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दे हूँ, आप फटाफट आ जाइएगा। चलिए गुड इवनिंग, जितने भी क्लासेस में आ चुके हैं सभी जल्दी आ जाइएगा, और सभी को गुड इवनिंग, है ना। तो यहाँ पर देखिए एंटीवायरस से क्या पूछा गया, CGCHPCL जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हूँ, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपके पूरा एग्जाम पूछे गए हैं प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर 2010 से लेकर 2022 तक, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 2023 में अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ है वो भी आपको टॉपिक में कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपका सीजी व्यापम और पीएससी पटवारी, अमीन पटवारी, आरआई इंस्पेक्टर, विद्युत विभाग, बिजली विभाग, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वही टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों। आज इसे प्रारंभ किया गया है, और इस वीडियो को मैं 15 मिनट पहले प्रारंभ करने का वजह यह है कि आपको मैं डिस्कस कर सकूं कि जो मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, वो मैं डिस्कस कर पाऊं। ठीक है, तो एक बार आप लोग जल्दी से आ जाइएगा। जी बिल्कुल, आ जाइएगा फटाफट, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। तब तक मैं वीडियो को लिंक शेयर करते हूँ, और जिनको तैयारी करना है वही वीडियो को देखे, वरना स्किप करके चले जाइएगा। और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, हमारी मेहनत को जाया ना करते हुए। अगर हमारा जो मेहनत है, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो में मेरे पढ़ाने से अगर आपको कोई रिजल्ट आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और इस वीडियो में अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा और आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तभी मैं लाइव क्लास लेकर आऊंगा, अन्यथा मैं रिकॉर्डेड क्लास लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आपकी जैसे इच्छा। इसके बाद हम देखेंगे प्रिंटर से, जो प्रिंटर है यहाँ से आपके एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रिंटर का जो वर्गीकरण है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसको मैं अभी आपको पूरा डायग्राम के एग्जाम के तौर पर बताऊंगा जी, है ना। तो आपके पूरे एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहाँ से एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है जी, 3 से 4 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से रखना और ध्यान से समझना, आपको क्लियर होगा। और पेज प्रिंटर को लेजर प्रिंटर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, तो आई होप कि फिर क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर को क्या कहा जाता है? तो लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहा जाता है जी, पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहा जाता है, जबकि कैरेक्टर प्रिंटर में थर्मल और इंकजेट दोनों आएगा। ठीक है, थर्मल मतलब जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है आपका, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट, जैसे पेज प्रिंटर लेजर प्रिंटर जो होता है उसको पेज प्रिंटर भी कहा जाता है, उसी प्रकार आपका थर्मल प्रिंटर जो है, ये जो थर्मल प्रिंटर है उसको कैरेक्टर प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है जी, एग्जाम में पूछ सकता है जी। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो थर्मल और इंकजेट प्रिंटर है उसको कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं, जबकि इंपैक्ट प्रिंटर है डॉट, डेजी, लाइन, ड्रम, चैन, ये सभी क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बताया गया कैरेक्टर प्रिंटर में डॉट, डेजी, थर्मल और इंकजेट, ये आपका कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक है, लाइन प्रिंटर में क्या आएगा जी? लाइन, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन है इतना, ये सभी क्या है आपके? इम्पैक्ट प्रिंटर, ये जितना भी आप देख पा रहे हैं ये सभी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है जी। ठीक है, क्या है आपका? इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, ये जब भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेकिन कैरेक्टर प्रिंटर पूछा जाए अगर शामिल है या नहीं, तो डॉट, डेजी, इसके बाद थर्मल और इंकजेट, ये सभी आपके होंगे जी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, साधारणता फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है? जो साधारण फुटर होता है, यहाँ पर देखिए फुटर पूछा गया, तो जो साधारण फोटा होता है ये सभी पन्ने पर, सभी पन्ने पर, सभी पन्ने पर, या फिर हर पृष्ठ पर, हर पृष्ठ पर। ठीक है, पृष्ठ पर। ठीक है, साधारणतः जो फुटर होता है जो आपके सभी पन्ने पर होता है या फिर हर पन्ने पर होता है। देखिए जो जुड़ चुके हैं उनके लिए तो बढ़िया बात है, जो हमारे क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वीडियो मैं रिकॉर्डेड में भी डाल दूंगा, जिसको तैयारी करना है वो पढ़ सकते हैं, कोई लाइव क्लास आए या ना आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपना काम करना है, पढ़ाना है। ठीक है, पढ़ना नहीं पढ़ना वो आपके ऊपर है जी, है ना? तो मैं वही कहूंगा, अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप ही के लिए फायदा है, और जो क्लास नहीं अटेंड करते उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए तो ठीक है, तो जो वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए तो बहरा है। ठीक है, मैं वही कहूंगा, जिसको तैयारी करना है वीडियो देखे, ना नहीं तैयारी करना है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर समझ में आया कि नहीं? चलिए, कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है एक बार में पूरा एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, इसकी छपाई की गति कितनी होती है? 10 से 600 सेकेंड। डेजी बिट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है डॉट और डेसी होता है। देखिए अब जो करेक्टर प्रिंटर अगर एग्जाम में पूछा जाए करेक्टर प्रिंटर क्या क्या आएगा, तो यहाँ से डॉट, डेजी, थर्मल लेजर, ये सभी करेक्टर प्रिंटर, ये जो चारों है आपका करेक्टर प्रिंटर है जी। ठीक है, ये जो चारों है आपका करेक्टर प्रिंटर है। अगर एग्जाम में पूछ लेगी करेक्टर प्रिंटर कौन कौन से हैं, डॉट, डेजी, लाइन, ड्रम प्रिंटर, ये सभी इंपैक्ट प्रिंटर है, लेकिन पूछा जाए सिर्फ करेक्टर प्रिंटर तो डॉट आ जाएगा, डेजी आ जाएगा, डॉट डेजी, और इधर थर्मल और लेजर। ठीक है, डॉट आ जाएगा, डेजी आ जाएगा, थर्मल और लेजर क्या है? सभी करेक्टर प्रिंटर है। अब डेजी विल प्रिंटर के बारे में जानेंगे जी, तो डेजी विल प्रिंटर एक क्वालिटी प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रिंटर प्रिंट ये फ्रंट का उपयोग करता है, डेजी विल प्रिंटर कहा जाता है फ्रंट के रूप में। डेजी विल प्रिंटर के प्रत्येक पंखुड़ी हथौड़ी पर एक पात्र बना होता है, एक मोटर तेजी से पहिया घुमाती है, और एग्जाम में भी पूछा गया था कि इस वांछित स्थिति घूमता है जो एक प्रिंट हथौड़े और आउटपुट को प्रदान करता है, हथौड़े से उसको ठोक ठोक कर, वो आपका जाएगा डेसीबल प्रिंटर। डेसीबल प्रिंटर आपका 2023 के एग्जाम में पूछा गया था जी, 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है ना उसमें पूछा गया था। तो हथौड़े से पीट पीट कर या ठोक ठोक कर कौन सा जो प्रिंटर है उसको बनाता है, तो आप बताएंगे डेजी व्हील प्रिंटर जी। कौन सा प्रिंटर है? डेजी व्हील प्रिंटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए,
अब देखिए, 3 डेसिबल प्रिंटर की जो गति होती है 10 से 15 75 वर्गों के बीच होती है जी, ठीक है। और डेसिबल प्रिंटर के गुण क्या है, तो अच्छी गुणवत्ता मुद्रित करता है और अच्छी गुणवत्ता का आउटपुट देता है, ठीक है जी। तो ऑटोमेटिक ये सभी बताने से पहले चलिए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। इसको पहले देख लीजिएगा, लाइन प्रिंटर, ठीक है। जो लाइन प्रिंटर होता है, इंपैक्ट प्रिंटर होता है। लाइन प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? इंपैक्ट प्रिंटर, आपको बताया था ना, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जी। तो यहाँ पर देखेंगे जो इंपैक्ट प्रिंटर है कौन कौन सा है, तो डॉट डॉट डेजी लाइन ड्रम और चेयर प्रिंटर, ये सभी आपके इंपैक्ट प्रिंटर हैं जी, ठीक है। जबकि पूछा जाए कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, तो इसमें आ जाएगा लेजर, ठीक है, लेजर, थर्मल और इंकजेट। थर्मल और क्या आ जाएगा, इंकजेट, ठीक है, इंकजेट। और ये लेजर और थर्मल जो है आपका कैरेक्टर प्रिंटर है जी, ठीक है। लेजर और थर्मल आपका कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें डॉट डेजी लेजर और थर्मल क्या आ जाएगा जी, कैरेक्टर प्रिंटर। जैसे कि अभी आपको मैं बताया यहाँ पर, देखिए थर्मल और लेजर क्या है, डॉट डेजी, ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर। ये जो कैरेक्टर प्रिंटर है ना आपका, डॉट डेजी यहाँ पर लिखा भी है, देखिए डॉट आ जाएगा डेजी है ना, ये वाला डॉट डेजी, और आपका आ जाएगा थर्मल, थर्मल और लेजर, ये चारों क्या है जी, ये जो चारों हैं आपके, ये आपके कैरेक्टर प्रिंटर हैं जी, ठीक है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, जो वीडियो लास्ट तक देखेगा ना वो एग्जाम ऐसे ही क्लियर करके जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ जो 5 से 6 बार विगत वर्षों में पूछा गया है जी। अगर यकीन नहीं है तो आप जो एग्जाम दिलाए हैं वो तो जान ही पाएंगे, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं यहां पर, चलिए अब सीधे डायरेक्ट आंसर करते हैं फिर। ड्रम प्रिंटर देख लें क्या, चलिए इसको मैं थ्योरी का आपको बाद में कराऊंगा, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए आउटपुट डिवाइस देख लें क्या, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, चलिए उसको बाद में देखेंगे। सीजी व्यापा में पूछे गए प्रिंटर से संबंधित 10 वर्षों का प्रश्न है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो निम्न में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है, तो अभी आपको बताया था डॉट डेजी लाइन और ड्रम, ये आपका इंपैक्ट प्रिंटर है। यहाँ देखिए पटवारी एग्जाम 2022 में पूछा गया है, पटवारी की एग्जाम 2022 में पूछा गया है जी, ठीक है। निम्न में से कौन सा है जो इंपैक्ट प्रिंटर है, तो इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन सा है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, डॉट डेजी लाइन ड्रम और चेयर प्रिंटर, ये सभी क्या है जी, आपके इंपैक्ट प्रिंटर है। अब पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है, और इन सभी में आपको जो दिखाई दे रहा है वही आपका इंपैक्ट प्रिंटर है, डॉट डेजी लाइट और ड्रम प्रिंटर। जो ये इंक जे लेजर दिख रहा है ना, और इंक जे ये आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जी। कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। कौन सा प्रिंटर है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। आप देखेंगे डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी, जो हार्ड कॉपी रहते हैं ना सीजी व्यापा में पूछा, प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ, डॉक्यूमेंट का जो हार्ड कॉपी रहता है प्रिंटर द्वारा पेपर में छपा हुआ, जो डॉट को डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी कभी भी पूछा जाए ना तो हार्ड कॉपी प्रिंटर द्वारा पेपर में छपा हुआ होता है जी। सीजी व्यापम 2021 में पूछा गया है, सीजी व्यापम 2021 में पूछा गया है। उसी प्रकार ये पटवारी एग्जाम 2022 में पूछा गया, अभी हाल ही में जो हुआ है, इसीलिए मैं बार बार इसी टॉपिक से करा रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा जी। तो वीडियो को लास्ट तक देख के जाना, लगातार मैराथन क्लास हम आप सभी के लिए करा रहे हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है जी, तो ये अगर ये याद है ना आपको, मैंने जो कराया है वो पढ़ लिए, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मैं वही कह रहा हूँ, 10 दिन का क्रैश कोर्स है, 10 वीडियो लेकर आऊंगा, बस उतना पढ़ लीजिएगा और इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, तो वीडियो को लास्ट तक देख के जाना जी, ठीक है। तो
तो निम्न में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? तो आप कहेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद है ये 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी तो प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ है, ठीक है, प्रिंटर द्वारा पेपर में छपा हुआ है। तीसरा प्रश्न कहता है जी, अब देखिए सीडी के बारे में याद करें तो आप याद रखना, सीडी मैं सभी कोर्सेज जो भी टॉपिक आता है उसको मैं लेकर चल रहा हूँ, जहां से क्वेश्चन बनेगा आपको मैं लेकर चलूंगा, ठीक है, तो सीडी का आएगा जी, सीडी भी आपको एग्जाम में पूछा गया है। सीडी भी आपके एग्जाम में, मेरा भी ऊर्जा खत्म होता है जी, पानी पीना चाहिए थोड़ा, ठीक है। तो सीडी का 700 MB जी, सीडी का 700 MB, जबकि डीवीडी का पूछा जाएगा, डीवीडी का फुल फॉर्म भी क्या होता है जी, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तब तक मैं इसका नाम देख रहा हूँ, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिजिटल वीडियो डिस्क। अगर आप कमेंट नहीं कर पाते तो मेरी बातें को गौर से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, 10 दिन में 10 कोर्स लाऊंगा, 10 वीडियो का वीडियो रिकॉर्डेड लाऊंगा, बस उतना पढ़ लो, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं यही करूंगा, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, और इसका 4.7 GB होता है जी, 4.7 GB कितना होता है? 4.7 GB, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कितना होता है, मैं आप तब तक देख रहा हूँ, ठीक है, 4.7 जी, वेरी गुड, क्या नाम है आपका? वेरी गुड, 4.7 GB। और ब्लू रे डिस्क भी एग्जाम में पूछा जाता है, और ये ब्लू रे डिस्क, ठीक है, ब्लू रे डिस्क भी एग्जाम में पूछा जाता है, और क्रम से भी पूछा जाता है जी, क्रम से भी पूछा जाता है, अगर वीडियो को अंतिम तक देख लेते हैं ना, तो यहाँ से मैं कहता हूँ 10 से 12 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। तो ब्लू रे डिस्क का कितना होता है, तो याद रखना जी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कितना होता है ब्लू रे डिस्क का, मैंने आपको बताया सीडी का, डीवीडी का, ब्लू रे डिस्क का कितना होता है? तो ब्लू रे डिस्क का होता है 25 GB, 25 GB जी, कितना होता है? 25 GB। अगर ये पूछा जाएगा HDD, तो HDD का 6 TB होता है जी, 6 TB, याद रखना कितना होता है? 6 TB, है ना, जिसको मालूम है कमेंट करते चलिएगा, जिसको मालूम नहीं है तो सुनते चलिएगा, ठीक है। अब प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं जी, तो सीजी व्यापम 2021 में पूछा गया है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको कहूंगा जी, अभी आपको बताया, 2 प्रकार के प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं जी, 2 प्रकार के, और यही क्वेश्चन अगर प्रिंट क्षमता के आधार पर पूछा जाता, यही क्वेश्चन प्रिंट क्षमता के आधार पर पूछा जाता तो ये 3 प्रकार के होते हैं जी, इसको याद रखना, प्रिंट क्षमता के आधार पर पूछा जाता, क्षमता के आधार पर, प्रिंट क्षमता के आधार पर अगर पूछा जाता तो ये 3 प्रकार के होते हैं जी, कौन कौन से, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका इंक जेट, आपका जाएगा कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा आपका आ जाएगा जी लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, और तीसरा है आपका जी लाइन प्रिंटर, सॉरी लेजर नहीं, पेज प्रिंटर, एक मिनट ना, सॉरी सॉरी, ये आपका आ जाएगा पेज प्रिंटर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा पेज प्रिंटर जी, पेज प्रिंटर, ठीक है। अगर ये अगर पूछा जाए प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? पहला तो है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है जी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, और ये आपको पूरा मैं आपको बता दिया हूँ कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता है क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है क्या है, पूरा क्लियर आपको करा दिया हूँ जी, ठीक है। तो प्रिंट अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रिंट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 2 प्रकार के, वो कौन कौन से हैं? तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जी, जबकि प्रिंट क्षमता के आधार पर पूछा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं जी, कैरेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ठीक है, कौन कौन सा आता है? कैरेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, यहां से अगर आप कवर कर लिए तो यहां से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला जी, ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और वीडियो को लास्ट तक देख के जाना, टोटल कितने एमसीक्यू करेंगे? 120 MCQ करेंगे, वो भी लगातार 2 घंटे मैराथन क्लास चलेगी, 2 घंटे, 2 घंटे में अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं ना,
मैं गारंटी लेता हूँ, यहां से अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा ना तो मेरा वीडियो मत देखना, मेरा वीडियो मत देखना, मैं पहली बार कह रहा हूँ, है ना। अगर अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो यहां से एक भी एक प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, कौन सा इंकलेस प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है, तो ये आपका थर्मल प्रिंटर जी, ठीक है। देखिए, ये आरआरबी पीओ 2021 में और ये आरआरबी पीओ 2020 में पूछा गया है जी, है ना। अगर कहीं पर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर मेरा आवाज आपको क्लियर आ रही पर कमेंट करके बताइएगा। और मेरा फेस अगर अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं ना तो आप 1080 मेगापिक्सल कर सकते हैं, ठीक है, अगर तुरंत नेट खत्म हो जाएगा तो। लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं देखना है, अगर पढ़ाई में ध्यान करना चाहते हैं तो 360 मेगापिक्सल में आप वीडियो का जो है उसको कर लीजिएगा, आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है जी, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा आएगा इनमें से। निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट, बबल जेट, लेजर प्रिंटर, डेजिविल प्रिंटर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है जी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वेरी गुड, एक लोग का आंसर आ गया है डी, वेरी गुड, डी आंसर आया है एक का, बाकी लोग का क्यों आंसर नहीं आ रहा है, बाकी लोग पढ़े नहीं है क्या थ्योरी क्लास। निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है जी, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा जो जो जुड़ चुके हैं जी, वेरी गुड, डी आ रहा है। अभी आपको बताया इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, क्या दरुणा चौहान जी, डी, वेरी गुड जी, डी आएगा इसका आंसर, कौन सा आ जाएगा, डी, वेरी गुड, डी आ रहा है सभी लोगों का, वेरी गुड, डी आंसर होगा जी। देखिए, अभी आपको बताया इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जी। देखिए, यहाँ पर जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं और प्रिंट क्षमता के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं जी। अगर मैं जो क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और छूट भी जाएगा यहाँ से तो मैं वीडियो बंद कर दूंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, ये आपके होते हैं। देखिए जी, जो आपका डेजी व्हील प्रिंटर है, आपको अभी बताया इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन सा होता है, तो डॉट डेगा, ठीक है। चलिए, लेजर प्रिंटर किसका एक प्रकार है, लेजर प्रिंटर किसका एक प्रकार है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर कौन सा होगा, बी, वेरी गुड, क्या नाम है इसका, अनकंफर्टेबल सर, इसका नाम नहीं आ रहा है लेकिन बी आया है इसका आंसर, बाकी लोग भी कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। लेजर प्रिंटर किसका एक प्रकार है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, लेजर प्रिंटर किसका एक प्रकार है, आपके सीजी व्यापम और 2019 में पूछा गया है। हाँ बी, वेरी गुड, बी आ रहा है इसका, कितने लोगों का बी आ रहा है आंसर कमेंट करके बताइएगा। दरुणा चौहान, क्या नाम है इसका, दारुणा चौहान जी, वेरी गुड, इसका आंसर बी आया है, वेरी गुड। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जी। चलिए, क्वेश्चन आपको करता हूँ, ये कौन सा इम्पैक्ट प्रिंट, कौन सा प्रिंटर है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लाइन प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है जी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, एग्जाम में पूछता है लाइन प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, वेरी गुड, इंपैक्ट प्रिंटर बोल रहे हैं एक, वेरी गुड, वेरी गुड, तैयारी अच्छी चल रही है, मतलब तैयारी अच्छी चल रही है, आप लोग बताइएगा जो चुके हैं वो। लाइन प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है जी, लाइन प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, वेरी गुड, लाइन प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है जी। स्याही जेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को किस रूप में वर्गीकृत किया है, पीस को बताया मैं बैंड प्रिंटर,
चलिए इसका आंसर क्या होगा पांचवा का, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। अभी तो 120 क्वेश्चन करना है जी, 120 क्वेश्चन करना है यार, आप लोग क्या कर रहे हो फिर, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, फिर जल्दी जल्दी कमेंट करो इतना जी, 120 क्वेश्चन करना है हमें। लाइन प्रिंटर, वेरी गुड, जो बैंड प्रिंटर होता है ना जी, उसको देखिए लाइन प्रिंटर को क्या कहते हैं, लाइन प्रिंटर को, एक लाइन प्रिंटर जो होता है ना जी, उसको पेज प्रिंटर भी कहा जाता है, पेज प्रिंटर, और बैंड प्रिंटर भी होता है जी। और ये बैंड प्रिंटर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, आपको सी में, ठीक है, वेरी गुड जी। आरके क्या नाम है, आरके यूट्यूब चैनल, वेरी गुड। तीन लोगों का आंसर आया है, बाकी लोगों का आंसर नहीं आया है, वेरी गुड। दो लोग का आंसर आ चुका, दो तीन लोगों का आंसर आ गया है। चलिए, बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट कितनी होती है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये 2017 में पूछा गया जी, 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। ये कौन सा है लेजर प्रिंटर को अभी किससे मापते हैं, अभी आपको मैं थ्योरी में बताया, जस्ट कौन सा आएगा इसका आंसर, डारवा सी, वेरी गुड। पी आ रहा है आंसर, 200 पेज, वेरी गुड, पी आंसर आएगा। जो लेजर प्रिंटर होता है ना जी, वो 200 पेज से होता है, देखिए जी, 200 से 2000 प्रति मिनट, ये आपका आएगा 200 से 2000 प्रति मिनट सेकंड में, तो ये आपका आ जाएगा बी जी, वेरी गुड। जितने लोगों का बी आया है, वेरी गुड, वेरी गुड। बड़े जो होते हैं ना लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर की गति किससे मापते हैं, प्रति मिनट में किससे मापते हैं, 200 पेज प्रति मिनट। चलिए, ये आपके सीजी भी आप 2019 में पूछा गया है। आप बताइएगा जी, आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस है। तो देखिए, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, तब तक मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस याद रखना, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस क्या क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या क्या है, ये आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या क्या है, वेरी गुड जी। तो ये आपका इनपुट डिवाइस आपका प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर क्या है जी, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, जैसे पहले आपको बता रहा हूं प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं, आउटपुट डिवाइस में, तो आउटपुट में आपका क्या जाएगा, मॉनिटर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, स्पीकर, और आपका आ जाएगा जी कार्ड रीडर, कार्ड रीडर, ये आपको पूरा आउटपुट डिवाइस है जी, ध्यान से समझिएगा, आपको समझाते चल रहा हूं। इसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, टेप रिकॉर्डर, टेप रीडर, ये आपका पूरा आउटपुट डिवाइस है जी, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा स्क्रीन, स्क्रीन, पेज रीडर, पेज रीडर, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला टॉपिक आपका 2023 में आया हुआ है, पेज रीडर, ठीक है, ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। जबकि इनपुट डिवाइस, जबकि आपका इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है, कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो आठवां का आंसर कौन सा बताया थे, पेज प्रिंटर, वेरी गुड, क्या नाम है इसका, वेरी गुड, आठवां का आंसर है पेज प्रिंटर। और पेज प्रिंटर को किस नाम से जाना जाता है जी, पेज प्रिंटर को और किस नाम से जाना जाता है, अभी मैं आपको बताया था, पेज प्रिंटर को किस नाम से जाना जाता है जी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। लाइन प्रिंटर कहाँ आएगा जी, इसका आंसर भी होगा, लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर कहा जाता है, जो लेजर प्रिंटर होता है ना उसको पेज प्रिंटर कहा जाता है जी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को, ये तो फ्रंट वाला है ना, फ्रंट वाला, ये आपका लेबर इंस्पेक्टर 2018 और 2015 और अभी 2023 में पूछा गया था जी, 2023 के एग्जाम, 2018 में, 15 में, और ये आपके सिटी व्यापम जो हाल में हुआ था उसमें पूछा गया था जी। और ये चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर बहुत लोग गलत देकर आए थे,
इंकजेट प्रिंटर के मूल रंग के कार्टिजों की संख्या पूछा गया जी, कितना आएगा, 2, 3, 4 या 5, ये हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है यह प्रश्न, ठीक है जी, क्या आएगा जी, चलिए बताइएगा। इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों की कार्टिजों की संख्या पूछा गया है जी, कितना है, इसका आंसर जल्दी फटाक से बताइएगा। वेरी गुड, 3। इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्टिजों की जो संख्या होती है ना जी, वो 3 होती है, और जितने भी जुड़े हैं ना, वो सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, है ना, वो जितने भी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, वो बाकी तैयारी कर रहे हैं, बाकी लोग सो रहे हैं, जो सोता है वो खोता है, और जो रात में पढ़ाई करता है, जागता है, तैयारी करता है, वही एग्जाम क्लियर करता है जी, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। हम आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम रात भर जाग जाग के आप सभी के लिए इतने सारे क्वेश्चन लेकर आते हैं, विगत वर्षों को क्वेश्चन लेकर आते हैं, और आप लोग तैयारी नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, है, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे, मेहनत करोगे, तो आप ही लोग तो जॉब करोगे, सरकारी नौकरी करोगे, मैं थोड़ी ना करूंगा भाई, अगर मैं आप अच्छे आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत, आप सही बताइएगा। जी बिल्कुल, चलिए, गोल्फ बॉल प्रिंटर क्या है, गोल्फ बॉल प्रिंटर क्या है, लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, पीटल प्रिंटर, इसका आंसर क्या होगा जी। वेरी गुड, इसका आंसर सी होगा। चलिए, निम्न में से कौन सा एक स्कैनर का प्रकार नहीं है, तो स्कैनर का कौन सा प्रकार नहीं है जी, ये आपके सीजी व्यापम 2018 में पूछा गया है, तो डेजी व्हील प्रिंटर, जैसे कि आप सभी को पहले मैं आपको बताया था, सभी एंटीवायरस, देखिए यहाँ पर सीजी व्यापम पीएससी में सभी में एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी टॉपिक अभी हम करने वाले हैं, ये टॉपिक भी अभी हम करने वाले हैं, ठीक है, ये टॉपिक हम अभी करने वाले हैं, देखिए सीजी व्यापम 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 पटवारी 2017, बिजली विभाग 2019, यहाँ पर देखिएगा आर आई रिवेन्यू इंस्पेक्टर, एटीएस में व्यापम, व्यापम में दिल्ली पुलिस, यूपीएससी, इसीलिए मैं टॉपिक कराकर आ रहा हूँ जी, ठीक है। तो पहले आपको बताया था प्रिंटर वाला, प्रिंट क्षमता के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं जी, कैरेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, चाहे तो आप इसको स्क्रीन शॉट करके रख लीजिएगा, ठीक है जी, चाहे तो आप स्क्रीन शॉट करके रख लीजिएगा। प्रिंट करने के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं जी, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। चलिए, आप लोग डिवाइस का बताइए, तो कौन कौन सा इनपुट डिवाइस, जिसको मालूम है कमेंट करके बताइएगा क्या क्या है इनपुट डिवाइस, डॉट, टेजी, लाइन, ड्रम, चैन, बिल्कुल सही, जितने लोगों का आंसर आ रहा है ना, इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा है, डॉट, डेजी, लाइन और ड्रम प्रिंटर, डॉट, डेजी, लाइन, ड्रम, चैन, ये सभी इनपुट डिवाइस है। बिल्कुल, वेरी गुड जी, क्या क्या है, चलिए, डॉट, डेजी, लाइन, ड्रम, ये आपका चैन, ये सभी क्या है जी, इम्पैक्ट है, ये सभी क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये सभी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, ये सभी क्या है जी, इम्पैक्ट प्रिंटर, चलिए ये बताइए में से कौन सा पेज प्रिंटर है, कौन सा पेज प्रिंटर है आपका 2018 और 2021 में पूछा गया है जी,
मैं इनपुट बोल दिया था ना, इम्पैक्ट प्रिंटर है। चलिए, निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इंकजेट, लेजर, डॉट या इनमें से कोई नहीं। ये भी आपके व्यापम 2018 2021 में पूछे गए हैं। लेजर प्रिंटर इसका आंसर कौन सा होगा जी, बी। कितने लोगों को आ रहा है बी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कितने लोगों को आपको आ रहा है आंसर कमेंट करके बताइएगा बी। निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है, तो ये आपका लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर कहा जाता है जी। इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा हो जाए, इंपैक्ट प्रिंटर बताइएगा। प्लाटर, लेजर, इंकजेटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सभी क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर है। सीजी व्यापम 2014 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस आपको बताया था मैंने, तो प्लाटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर, माउस और कीबोर्ड क्या है जी, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। निम्न में से कौन सा इंपैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए ड्रम, बैंड और चैन ये सभी क्या है जी, एक इंपैक्ट प्रिंटर है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक समूह है, और सब आउटपुट डिवाइस का एक समूह है जी, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। वेरी गुड जी, 12 का बी क्या है, दरुणा चौहान जी, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर निम्न में कौन से सभी आउटपुट डिवाइस है, आपको पहले ही बताया था कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है जी, चलिए बताइएगा आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है। प्लाटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस है, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है जी, ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। प्लाटर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अगर मैं आपको पूछता हूं कि टेप रीडर, टेप रीडर ये कौन सा है, तो टेप रीडर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, क्या है, आउटपुट डिवाइस जी। 16 का डी, वेरी गुड, 16 का डी। एक निर्गम कागज की मुद्रण, जारी के मुद्रण पूछा गया, तो पटवारी 2016 में पूछा गया है, आपका लेजर प्रिंटर होगा, जो मुद्रण की बात करे ना वो आपका लेजर प्रिंटर है। चलिए आप यहाँ पर बताइएगा इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, यह करेक्टर प्रिंटर नहीं है, तो करेक्टर प्रिंटर कौन सा नहीं है जी, करेक्टर प्रिंटर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अठारह का ए, बैंड प्रिंटर, वेरी गुड। चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क में यह इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक साझा आम संसाधन है, प्रिंटर होगा जी। कैरेक्टर प्रिंटर जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है उसको कौन सा प्रिंटर कहते हैं, तो बैंड प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंटर करता है उसको बैंड प्रिंटर कहा जाता है जी, इसका आंसर होगा बैंड प्रिंटर, एक कैरेक्टर। जबकि यहां पर देखिए बैंड प्रिंटर को ही कैरेक्टर प्रिंटर है, जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है उसको बैंड प्रिंटर भी कहा जाता है, कैरेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है, याद रखना, कैरेक्टर प्रिंटर को बैंड प्रिंटर भी कहा जाता है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से मुद्रित करने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंट से मुद्रित करने के लिए क्या आएगा जी, 21 का क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। वेरी गुड, 21 का डी, 21 का आ जाएगा, वेरी गुड डी, क्योंकि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है जी वो रिबन में ही आएगा।
ना, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ठीक है। एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु नहीं किया जाता उसको डेजी व्हील प्रिंटर कहा जाता है, और यह 4 से 5 बार विगत वर्षों में व्यापम में, पीएससी में और बैंक के एग्जाम में पूछा गया है। व्यापम में, पीएससी में और बैंक के एग्जाम में पूछा गया है, यह आपका डेजी व्हील प्रिंटर होगा जी। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, थर्मल और इंकजेट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, कमेंट करके बताइएगा। नॉन इंपैक्ट है, एक लोग का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। नॉन इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट आएगा ना, वेरी गुड, नॉन इंपैक्ट, वेरी गुड, नॉन इंपैक्ट होगा जी। इंकजेट और थर्मल प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। चलिए देखेंगे, सीजी व्यापम लेबर इंस्पेक्टर 2015, अमित पटवारी 2016 में पूछा गया है यह क्वेश्चन, ठीक है। प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है, आप बताइएगा प्रिंटर की गुणवत्ता किससे मापी जाती है, कमेंट करके बताइएगा क्या हो। 15 और 16 में पूछा गया है, एक वर्ग 1 इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर कितने बार पूछा गया, देखिए लेबर इंस्पेक्टर 15, 16 और यहां पर भी एग्जाम में पूछा गया है जी, ठीक है। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए, चित्रित करने के लिए प्रिंटिंग हेड और पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, वह कौन सा प्रिंटर है, तो आप बताएंगे इंपैक्ट प्रिंटर जी। इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, डेली क्लास लेगा, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। ऐसे में 10 वीडियो लेकर आऊंगा जी, 10 वीडियो, 10 वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसका जो ये आपका जो है ना पीडीएफ, इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा जी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर 93 99 27 87 82 इस पर आप लोग मैसेज करिएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं जी, और 9 बजे क्लास कंटिन्यू कराई जाएगी आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं, हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछा गया है सीजी व्यापम का कि इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता जी, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। इनमें से कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, मैं बार बार आपको बता रहा हूं इसका आंसर कौन सा होगा, ए, वेरी गुड, इसका आंसर ए आएगा, डेजी व्हील प्रिंटर। जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता जी, क्या नहीं कर सकता, ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। जबकि पेज प्रिंटर क्या होता है जी, पेज प्रिंटर को किससे जानते हैं, लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ठीक है, पेज प्रिंटर को लेजर प्रिंटर कहा जाता है। जबकि थर्मल और इंकजेट, थर्मल और इंकजेट के आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, आपके 2016 के हॉस्टल वार्डन एग्जाम में पूछा गया है जी, ठीक है।
चलिए आप लोग बताइएगा फटाफट, कमेंट करें ना जी। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी आपके व्यापम हॉस्टल वार्डन ने 2016 में पूछा गया है। वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर के छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल के इंपैक्ट के बिना बनते हैं, उसे कौन सा प्रिंटर कहते हैं जी? उसे कौन सा प्रिंटर कहते हैं? वेरी गुड, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर का छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल इंपैक्ट के बिना बनते हैं, उसको नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहा जाता है जी, ठीक है। लाइन प्रिंटर और इंपैक्ट प्रिंटर। सीजी व्यापम पटवारी 2016 में पूछा गया है कि सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जाती है, जो सर्वोत्तम ग्राफिक्स है उसको कौन से द्वारा बनाया जाता है? पटवारी 2016 में पूछा गया है। वेरी गुड, और प्लाटर के द्वारा। और प्लाटर कौन सा डिवाइस है? प्लाटर कौन सा डिवाइस है, कमेंट करके बताओ। प्लाटर कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है, कमेंट करके बताइएगा। वेरी गुड जी, 27 का आउटपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस है? आउटपुट, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो जो सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है वो प्लॉटर के द्वारा बनाई जा सकती है, और उनको आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। व्यापम 2016 में पूछा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज्यादा संभावना किस प्रकार के रिसोर्स में किया जाता है? तो इसका आंसर कौन सा होगा जी? तो इसका आंसर होगा वेरी गुड डी। कितने लोगों का आंसर आ रहा है जी? डी, वेरी गुड। ये आपका बैंक कलर के 2017 में और व्यापम 2017 में पूछा गया है। क्या नाम है? दरुणा चौहान। दरुणा क्या नाम जी? दारुणा चौहान जी। वेरी गुड चौहान जी, वेरी गुड। क्या नाम लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, क्या दरुणा है कि दौरौना, क्या नाम है आपका? और अभी मैं इसको पढ़ाया, देखिए प्रिंटर की गति की गणना किससे नापी जाती है, किसका प्रयोग किया जाता है जी? ये आपकी एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, 2 बार। प्रिंटर की जो गति होती है, जो गणना करते हैं, किससे मापते हैं? किससे मापते हैं, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। वेरी गुड, पीपीएम। और पीपीएम को फुल फॉर्म क्या है? डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है और सीपीएम का फुल फॉर्म क्या है? तीनों का कमेंट करके बताएं, तीनों का कमेंट करके बताएं। कमेंट करके बताइए जी, तीनों का कमेंट करके बताइएगा। पीपीएम को फुल फॉर्म क्या होता है, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फुल फॉर्म से एग्जाम में भी प्रश्न बनते हैं, और आप सभी के लिए एक जल्दी से कमेंट। सीपीएम का मतलब होता है जी, सीपीएम का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर मिनट, कैरेक्टर, कैरेक्टर पर मिनट, ठीक है जी, कैरेक्टर पर मिनट। जबकि डीपीआई का होता है डॉट पर इंच, डॉट पर इंच, ठीक है। पीपीएम का क्या होगा जाए? तो पीपीएम का होगा, चलिए पीपीएम का आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। पीपीएम का जिसको मालूम है फटाक से कमेंट करके बताइए, पीपीएम का बताइएगा। तो यहां पर किसी को मालूम नहीं है। सीपीएम का मतलब कैरेक्टर पर मिनट, डीपीआई का डॉट पर इंच, पीपीएम का क्या होगा कमेंट करके बताओ, क्या होगा पीपीएम का, तब मैं आगे बढ़ूंगा क्लास में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जब तक आप पीपीएम का आंसर नहीं बताओगे मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, ठीक है।
पीपीएम का क्या होगा फुल फॉर्म, जल्दी इसका कमेंट करके बताओ। क्या बोल रहे, नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं, एक को नहीं मालूम होगा, बाकी को तो मालूम होगा। वेरी गुड, इसको कहते हैं पेज पर मिनट, पेज पर मिनट, है ना? तो पेज पर मिनट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पेज पर मिनट। और बीएमपी को किससे नापते हैं जी, बीएमपी को इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बीएमपी का चलिए कोई दिक्कत नहीं, बाकी को तो मालूम होगा बीएमपी का। चलिए ये बताइएगा सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेरी गुड, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए वेरी गुड, तो आप इसका बताइएगा कि बायोस का क्या होता है, BIOS, यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया है जी, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वेरी गुड, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए आप एक और बताइएगा, एक और पूछ रहा हूं मैं आपका, यूएसबी, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है जी, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूएसबी का फुल फॉर्म, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सीरियल बस। वेरी गुड, फटाफट कमेंट आ रहा है, बाकी लोग को क्यों नहीं आ रहा है, इसका बताइएगा इसका क्या होता है फुल फॉर्म। सीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, सीआई कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सीआई का क्या होता है, कौन सा डिवाइस है एक प्रिंटर का प्रकार है, कौन सा डिवाइस है जो प्रिंटर का प्रकार है, तो थर्मल फ्लैट वेट। चलिए इसका बताइए, सीजी व्यापन हार्ड कॉपी बनाता है, तो उपरोक्त तो सभी लाइन प्लॉटर और डॉट मैट्रिक्स से, सामान्यतः कंप्यूटर और प्रिंटर से पेपर पर इंफॉर्मेशन की कॉपी क्या कहलाती है, कलर एचबीआई 2015 में पूछा गया है, तो ये आपका हार्ड कॉपी। लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस को भी हो सकती, सिवाय किसके, प्रिंटर, ठीक है, ये आपका बैंक में पूछा गया है। ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा हाई क्वालिटी कंप्यूटेड एडेड डिजाइन, इसको फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आप बताइएगा CAD, इसका आंसर आप लोग बता लोगे फिर भी इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा। डिजिटल प्लॉटर, एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताइएगा, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTPP, अब इसका बताइएगा हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
किसी मैकेनिकल के दबाव के बनता है, क्या है? किसी मैकेनिकल के दबाव बनता है। पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इसका आंसर क्या होगा? जो डी 35 का डी, वेरी गुड। किस प्रिंटिंग टेक्निक में अक्सर मेटल पीस के उपयोग में बनता है सॉलिड फॉन्ट? इसको छोड़ दीजिएगा ये वाला। चलिए, यह आपके AGDO 2018 की एग्जाम में पूछा गया। AGDO का मतलब होता है सहायक ग्रेड 3 के एग्जाम में पूछा गया है। सहायक ग्रेड 3 के एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के में, कि जब दो प्रिंटर को एक साथ मिलाया जाता है, जब दो प्रिंटर को एक साथ मिलाया जाता है जिसकी दोनों टीम की एक तरह का कार्य कर सकते हैं, उसको कौन सा क्या कहते हैं? टीम प्रिंटिंग, प्रिंटिंग स्पूलिंग, प्रिंटिंग ज्वाइनिंग, प्रिंटिंग पूलिंग, क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या चौहान जी, आप लोग कमेंट करके बताओ ना जी, क्या आएगा? एक ही लोग का आंसर आ रहा है, बाकी लोगों का क्यों नहीं आ रहा? सीजी व्यापम में पूछा गया है जी, जब दो प्रिंटर को एक साथ मिलाया जाता है जिसके दोनों प्रिंटर के एक ही टीम की तरह कार्य करते, इसको कौन सा प्रिंटर कहते हैं जी? प्रिंटर पूलिंग। किस प्रकार के प्रिंटर फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम का उपयोग करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम आपको बताया था ना जी, एक इस प्रकार का लेजर होता है, लेजर की तरह बनता है, वही आपका होगा जी फोटो इलेक्ट्रॉनिक ड्रम। लेजर प्रिंटर प्रोसेस के किस स्टेज में ज्यादा हीट होता है? तो फेजिंग। निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्क टॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो ये आपका लेजर प्रिंटर भी। निम्न में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? अब ये भी आप बताइएगा, कौन कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? चलिए बताइएगा, डेजी बिल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सभी क्या है? आपके व्यापम 2017 में, 2018 में पूछा गया है। उनचालीस का सी। कितने पीछे हो चौहान जी, कितने पीछे चले गए? एक हार्ड कॉपी किस पर बनाई जाती है? हार्ड कॉपी, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, टाइप राइटर या उपरोक्त सभी? तो RRBPO 2017 में पूछा गया है। चलिए बताइएगा क्या होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, करिएगा, ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट से जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड शीट प्रिंट किया जाता है, उसको फ्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लेक्स। कंट्रोल अल्ट और डेट। देखिए, अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो एक बार इसको स्किप कीजिएगा, वीडियो को स्किप करें और फिर से वीडियो को चालू करें, आपका नेटवर्क खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार वीडियो को क्या करोगे, स्किप कर दो, वीडियो को एक बार बंद कर दो, फिर से चालू करो, उसके बाद नेटवर्क अपने आप आ जाएगा। ठीक है जी, उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पानी मिलाइल क्लोराइड का शीट प्रिंट किया गया है, फ्लेक्स आएगा जी।
ठीक है, ये एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया है, इसका आंसर आप इसको नोट कर लीजिएगा, 4 से 5 बार पूछा गया है कि कंट्रोल अल्ट और डिलीट, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ये आपकी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये आपकी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसका क्या होगा आप लोग बताइएगा, किसके लिए उपयोग करते हैं, 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया है कंट्रोल अल्ट और डिलीट किसके लिए किया जाता है, तो इन तीनों बटनों को एक साथ दबाने पर जो प्रोग्राम चल रहे हैं कंप्यूटर में हो चाहे मोबाइल में हो, जो फंक्शन चल रहा होता है वो तीनों एक साथ बंद हो जाते हैं और पुनः फिर से होम में चला जाता है, जैसे कि हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो पुनः वही स्टार्टिंग में चला जाता है, ठीक है जी, कंट्रोल अल्ट और डिलीट वही स्थान पर चला जाता है और फिर से शुरू वाले अवस्था में पहुंच जाता है, जब कंप्यूटर हैक होता है या कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तब कंप्यूटर अल्ट और डिलीट बटन का प्रयोग किया जाता है जी, ठीक है, कंट्रोल अल्ट और डिलीट का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो देखिए ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रीस्टार्ट किसके लिए किया जाता है, तो कंट्रोल अल्ट और डिलीट जो होता है वो आपके रीस्टार्ट करने के लिए किया जाता है, कंप्यूटर को बंद करने के लिए किया जाता है, हैक करने के लिए किया जाता है, जैसे कंप्यूटर में कोई आप कार्यात्मक काम कर रहे हैं, ठीक है, जब आप काम करते हैं तो उस पर फंक्शन काम नहीं करता, कीबोर्ड काम नहीं करता, तब कंट्रोल अल्ट और डिलीट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, चलिए अब शिफ्ट अल्ट और डिलीट का बताइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट प्लस अल्ट और कंट्रोल, शिफ्ट अल्ट और कंट्रोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो मॉडिफायर बटन के लिए, मॉडिफायर बटन के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, मॉडिफायर बटन के लिए किया जाता है, चलिए सभी लोग इनपुट डिवाइस का एक एक करके नाम बताते चलेगा जिसको याद है, ठीक है, तो नोट करते चलेंगे और याद करते चलेंगे, तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ठीक है, तो इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है, चलिए कमेंट करके बताते चलेगा, तो नोट करेंगे इसको, नोट करते चलेंगे जी, नोट करके चलेंगे, ठीक है, तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है जिसको मालूम है कमेंट करके बताइएगा, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है, चलिए इनपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाएगा, तो नोट करते चलेंगे, इनपुट डिवाइस में क्या क्या आएगा, तो कीबोर्ड, दूसरा आपका स्कैनर, तीसरा है माउस, प्रकाशी पेन, पांचवा आ जाएगा आपका जी, पांचवा कौन सा है आपका, डिजिटल कैमरा, है ना, तो आपके एग्जाम में पूछा गया जितने भी टॉपिक करा रहा हूं आपको, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पूरा कवर कर लीजिएगा, ये सभी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा गया, एग्जाम में पूछेगा कि इनपुट डिवाइस में किसे शामिल किया गया है किसे शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा छठवा कौन सा आ जाएगा, माइक, सातवा आ जाएगा रीडर, आठवा आ जाएगा आपका पेन, नौवा आपका आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर, ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहां से जॉयस्टिक, दसवा आपका जॉयस्टिक,
जॉयस्टिक, 11वां आपका कौन सा आ जाएगा, टच स्क्रीन। ये सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं जी। ओके सर, नोट कर लिया, वेरी गुड। ये सभी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में इतना सारा पूछा गया है। ये सभी इनपुट डिवाइस है और ये एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, प्रकाशी पेन, रीडर, माइक, डिजिटल कैमरा, पेन, बारकोड रीडर, टच, जॉयस्टिक, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस है और एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आउटपुट देखते हैं। नोट करते चलेंगे सभी, ठीक है, नोट करते चलेंगे, आउटपुट डिवाइस देखेंगे, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, क्या जाएगा आपका, प्रिंटर। प्लॉटर स्पीकर, जल्दी जल्दी, जल्दी बताते चलेंगे। पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इतना क्वेश्चन आएगा यहाँ से, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, स्पीकर, टेप रीडर, कार्ड रीडर, वीडियो और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट, है ना, स्क्रीनशॉट। जी बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं, ठीक है, बाद में नोट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा जी, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और रोज रात 9 बजे क्लास लिया जाएगा, 9 से 11 बजे तक, 9 से 11 बजे तक रिकॉर्डेड क्लास लिया जाएगा, लाइव क्लास ली, जैसे भी हम क्लास लेंगे, लाइव लेंगे, रिकॉर्डेड लेंगे, 3 से 4 बार वीडियो को देख लेना, बस कितने बार, 3 से 4 बार वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना, फिर क्लास यही खत्म करते हैं, फिर कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रोज आपका रात को क्लास रहेगा, रात को 9 से 11 बजे तक, ठीक है जी, पूरा कंप्लीट।